दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी हमारे बीच मंच के पास जो कल प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है, उस जगह पर एक भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 400 पार का जो सपना है, जो 400 पार का वो सपना है, और काराकाट में खासकर उपेंद्र कुशवाहा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर कितना चैलेंज है? चैलेंज तो है, चैलेंज तो नहीं था, पवन कुमार के आने से चैलेंज हुआ है, लेकिन मतदाता में जो जागरूकता है, काराकाट की जनता ने घूमने के बाद जो विश्वास दिलाया है, लोगों के प्रति जो मोदी जी के प्रति आकर्षण है, मोदी जी के काम के प्रति जो आकर्षण है, विभिन्न योजनाओं का जो असर है, चाहे वो 5 किलो राशन का हो या शौचालय का हो या घर का हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान हो, इस तरह की जो योजनाएं चली है, इसका असर दिखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से ये सारा चैलेंज खत्म हो जाएगा और हम लोग मोदी जी के 400 पार के नारे के साथ ये सीट भी हम लोग देने जा रहे हैं। एक चीज़ और है कि मतलब जिस तरीके से कांग्रेस के टिकट में काफ़ी लेट हुआ सासाराम में, उससे शिवेश राम जी को कितना? शिवेश राम जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और उनके पिताजी 3 बार वहां से सांसद रहे हैं, श्रद्धेय मुनीलाल जी। और मुनीलाल जी ने एक बड़ी लकीर खींची थी सासाराम में, उनके नाम पर आग एक भी नहीं दिखा सकते कि किसी क्रिमिनल का उस समय उन्होंने पैरवी किया हो। राजद का शासनकाल था यहाँ और अपराध का बड़ा ही बोलबाला था। उस समय अपहरण की दुकान खुला हुआ था और उस परिस्थिति में वो एक आदर्श स्थापित हुए और एक भी क्रिमिनल का उन्होंने पैरवी नहीं किया और जनमानस के रूप में बड़े ही अच्छे स्थिति में उनका कार्यकाल रहा। ठीक है, मीरा कुमार जी के आने के बाद जातीय समीकरण का विडंबना रहा कि हम लोग फिर चुनाव हारे, लेकिन आज शिवेश राम जी जिस स्थिति में आए हैं, निश्चित रूप से सासाराम की जनता इस बार अगर 40 सीट में अगर सबसे ज़्यादा वोट से कोई जीतेगा तो मुझे दावा है कि शिवेश राम ही जीतेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि सासाराम और काराकाट यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 400 पार के जो लक्ष्य है उसको हम लोग जो है पार करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।